हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनियाज मॉम वर्ल्ड। यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सभी अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है संडे, आज है 29th नवंबर, और मैंने जो आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर किया है वो है मेरी बेटी और जो उसकी फ्रेंड है भव्या, उन दोनों का डांस है। और इसके साथ में मैंने आप लोगों के साथ कुछ और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज मैंने आप लोगों के साथ एक जो मतलब शेयर किया है वो ये है कि आज मैंने बताया आप लोगों को विंटर सीज़न में हम अपने बालों की देख रेख कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक्चुअली क्या होता है ना, विंटर सीज़न में जो बाल हैं वो थोड़ा ज़्यादा झड़ते हैं और डैंड्रफ भी विंटर सीजन में ज़्यादा होता है बालों में। सबसे एक मोस्ट रीज़न बालों के झड़ने का यही है डैंड्रफ। तो बस उसी के लिए मैंने कुछ लगाया था बालों में और आप लोगों को बताने के लिए ही मैं, वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ हर हफ्ते अपने, एक हफ्ते में मतलब जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ, एक घंटे पहले, बाल धोने से एक घंटे पहले यूज़ करना होता है। लेकिन आपको जैसे मान लीजिए आज संडे है, मुझे आज यूज़ करना है, तो मैं एक दिन पहले उसको पानी में भिगो के रख देती हूँ। तो बस वही मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, मैंने वीडियो में डाला है, आप लोग ज़रूर देखिए लास्ट में, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, तब आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। इससे क्या होता है ना, हमारे जो बाल हैं वो सिल्की और शाइनी हो जाते हैं, क्योंकि मेथी उसमें होती है वो थोड़ा सा चिकनी होती है, और मेथी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और राइस भी। और इसमें कुछ और भी मैंने ऐड किया था, वो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में देखिएगा आप, उसमें आपको समझ आ जाएगा क्या मैंने यूज़ किया है। तो और साथ में मेरी बेटी और भव्या का डांस भी है वीडियो में, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली वीडियो है, क्योंकि एक्चुअली भव्या और स्माइली दोनों शाम को खेल रहे थे, तो ये लोग दुपट्टे वगैरह ओढ़ के ऐसी और डांस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों का ज़्यादा डांस का मूड है, तो मैंने फिर इन लोगों को लहंगे पहना दिए दोनों को, और ज़्यादा कुछ रेडी नहीं किया था, बस ऐसे ही लहंगे ही पहनाए थे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी स्माइली को हल्का सा कुछ भी कोशिश करती हूँ कि चलो हल्का सा लिपस्टिक लगा दो या आई शेडो लगा दो, तो वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा उसका हो जाता है, फिर वो रोती है मुझे दे दो मैं खुद से लगाऊंगी। इस वजह से मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है, बस उसको लहंगा वगैरह पहना के भी रेडी किया है, बट उसने इतनी मस्ती करी है उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा कि जो भव्या वो अच्छा डांस कर रही थी भव्या, तो वो भी उसकी वजह से जो है डिस्टर्ब हो रही थी, कभी कार्टून पंती, कभी कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉटी है वैसे भी वो, तो बस उसको शैतानियाँ ही करनी थी। डांस भी किया है, ऐसा नहीं, डांस भी बहुत अच्छा करती है, दोनों ने ही बहुत अच्छा डांस किया, और छोटी छोटी सी हैं, लहंगा पहन के इतनी प्यारी लग रही हैं दोनों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो और वीडियो अच्छा लगे और मेरी दोनों बेटियों का डांस भव्या और स्माइली का अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलें। तो चलिए अब आप वीडियो देखिए और मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा ज़रूर देखिए वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी, मैं आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल भी है, तो बस लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए इन दोनों का डांस। स्माइली की कमर देखिए, स्माइली तो मस्ती कर रही थी, बस पागलपंती भी दिखा रही थी बीच बीच में, और ये भव्या दोनों ही बढ़िया डांस कर रही थी। और मैं यहाँ पे सिर्फ इनका सॉन्ग नहीं लगा सकती हूँ, तेज़ आवाज़ में भी नहीं कर सकती हूँ, वरना कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हम जो सॉन्ग होता है वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो साथ साथ में बोलती जा रही हूँ, और आपको थोड़ी सी आवाज़ जो है गाने की यहाँ पे आती रहेगी, तो आप बस उसी में समझिए क्या गाना है। और देखिए दोनों का डांस, देखिए वाह, वेरी गुड। और इतनी मुश्किल में तैयार किया है ना इन लोगों को, कि बस पूछो मत। स्माइली खुद तो होती नहीं है, दूसरों को भी नहीं होने देती ढंग से, और कैसे कैसे कर रही है, देखो दोनों को देखो। दूसरे को भव्या तो अब तक खोई हुई है वो अपनी दुनिया में, बहुत मस्त हो रहा है दोनों। एक जैसे लहंगे हो गए दोनों के, एक का ग्रीन है एक का ब्लू पर्पल है,
ये देखो हाथ पकड़ रही हैं दोनों, और स्माइली तो डांस करते करते इतना कूद गई है कि उसका लहंगा ही खुल गया, मुझे आके बीच में वहाँ पे दोबारा से गांठ लगानी पड़ी। इतनी मस्ती में मस्त होकर डांस कर रही थी कूद कूद के। और अब ये देखो है राजस्थानी सॉन्ग में छमक छमक वो वाला गाना है ये, तो उस पर वो देखती जा रही थी कैसे डांस होता है, तो बस वही उसी तरीके से कमर मटका रही है अपनी, बट करती बढ़िया डांस है लेकिन बस थोड़ा सा सिद्धानी ज़्यादा करती है बीच बीच में। इतनी मस्ती करी इसने डांस में इतनी ज़्यादा कि बस पूछो मत, वो पूरी वीडियो नहीं आई क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी मस्ती हो रही थी तो वो हमने कट कर दिया है, बहुत ज़्यादा लेट लेट के डांस हो रहा था तो वो मैंने काट दिया है फिलहाल वीडियो में से। और जैसे जैसे टीवी में देख रही थी ना वो, और वैसे ही कर रही थी वो अपनी मर्ज़ी से, उसने सॉन्ग लगवाया कि छमक छमक लगा दो, क्योंकि कभी कभी चल जाते हैं कंप्यूटर पे गाने लगा देते हैं तो बस इसलिए वो वैसे ही करने लग गई। और ये जो है दूसरा सॉन्ग लग चुका है यहाँ पे, तो बस अब देखिए सब पे जो है पल्ला डालेगी, और भव्य को देखिए वो अपनी दुनिया में मस्त है एकदम, है इतना बढ़िया डांस हो रहा है भाई दोनों का, दोनों की जोड़ी बढ़िया है बस मस्त, दोनों खेलती रहती हैं शैतान करती हूँ, और लड़ती भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लड़ती हैं दोनों, एक दूसरे के बिना रहती भी नहीं और लड़ती भी सबसे ज़्यादा है, ना वो रहती है ना ये रहती है। अब हो गया यहाँ पर अकेले डांस कर रही है क्योंकि स्माइली जो है शैतान कर रही थी तो वो साइड में कर दिया मैंने, उसको फिर आ जाएगी आ रही बीच में, ये रह कैसे सकती है बिना मस्ती करे। और इस भव्या का डांस देखो, भव्या डांस बड़ा अच्छा कर रही थी अकेले, बहुत बहुत बढ़िया डांस कर रही थी, इसलिए स्माइली बीच में उसका डांस जो है बिगाड़ती जा रही थी बीच बीच में आके। ये देखो ये देखो ये देखो लहंगे लहंगा ही इसका रह नहीं पा रहा था, इस चक्कर में लहंगा भी खुल गया था ना सर पे पल्ला, उस भव्या का सर पे पल्ला एक बार भी नहीं हटा और इसका 50 बार हट चुका है तब से, मैंने पहले दोनों को करा ही नहीं था लेकिन नहीं सर पे पल्ला रख के फिर करेंगे डांस, तो फिर मैंने रख दिया, अब वो बार बार हटा रही है, है माथे वाला टीका आँखों के काजल के आगे सारा सोना टीका, बीच बीच में मस्ती अलग हो जाती है। और मुझे मैं जानबूझ के जो है सॉन्ग के बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है, और ये देखिए ऐसे डांस करेगी कि आँख में जोर से लग जाता है, जो रोने लग जाती है ये रोने लग गई है स्माइली, है मैंने उसको बुला लिया अपने पास। और देखिए डांस वांस सब हो चुका है, अब आ जाते हैं काम की बात पे, तो बस ये मैंने रात को ना भिगो के रखा था 1 चम्मच मेथी और 2 चम्मच चावल, क्योंकि ये मैं जो है बालों में लगाने वाली हूँ, तो मेथी और चावल जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सीरियसली बालों का झड़ना बंद होता है और जो डैंड्रफ वगैरह होता है उन सब के लिए बहुत अच्छा है और बालों में चमक आती है। तो बस ये देखिए मैंने ना इसको मिक्सर में डाल दिया है और मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, तो मतलब अपने हिसाब से आप ले लीजिए, मतलब हफ्ते में एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलेंगे आपको। और वैसे भी लोग चावल का पानी यूज़ करते हैं बालों में, तो बस ऐसे हम इसका पेस्ट बना लीजिए, एकदम बारीक पीस लेना है हमें। ये देखिए बन चुका है, मेरा थोड़ा सा पतला हो गया था एक्चुअली, ये पानी मेरे से ज़्यादा हो गया, वरना इससे थोड़ा सा और इसको गाढ़ा रखा जाता है और उसको फिर यूज़ किया जाता है। और बालों में जब इसको लगाएंगे, फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा पतला नहीं था कि ज़रूरत से ज़्यादा ही हो, मतलब थोड़ा सा लास्ट टाइम मैंने अभी जो बनाया था पिछले हफ्ते थोड़ा गाढ़ा था, हमें इसे थोड़ा कभी गाढ़ा हो जाता है कभी पतला हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। तो बस उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो है इसमें अदरक घिस लेती हूँ, थोड़ा सा हमें अदरक भी डालना है इसमें, तो चावल मेथी और अदरक, तो ये चावल इसको अदरक को घिस लेंगे हम, और घिसने के बाद फिर उसको निचोड़ लेंगे उसका रस, फिर इसको किसी भी पतले कपड़े से ना आप इसको छान सकते हैं, थोड़ा सा ही अदरक लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब आधा चम्मच समझ लीजिए, मैं यहाँ पे अदरक का रस ले लूँगी, तो बस इसको कपड़े में डाल के मैं अच्छे से 1 चम्मच रख के और उसमें निचोड़ लेती हूँ, या फिर आप छन्नी से भी कर सकते हैं, बट छन्नी से उतनी अच्छी तरीके से ना निकलता नहीं है इसका रस, और कपड़े से क्या होता है ना बहुत ईजीली आराम से, ऐसे देखिए कितना अच्छे से निकल आएगा, तो मैं कपड़े से मैंने जो है इसका रस निकाल लिया, देखिए आधा चम्मच रस हो गया अदरक का, तो बस इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और आप लोग देख सकते हैं किस तरह का मिक्सचर हो चुका है रेडी, वो थोड़ा सा बस हल्का सा गाढ़ा होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट कोई नहीं ये भी बालों में बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। और अब मैं अपने बालों में भी आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ, ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है तो बस आपको देख के लग ही रहा होगा फिलहाल फेस दिख कर के लग रहा होगा कि हाँ भाई मॉर्निंग का ही टाइम है, तो बस सुबह उठ के मैंने बस सीधा मैंने कहा इसको लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम वाम करूँगी,
अभी घर की सफाई वफाई करनी है तो फिर एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा, इसलिए सबसे पहले जो है इसको पीस के फटाफट बालों में लगाया। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और अलग अलग चीज़ें फ़िलहाल मैं अप्लाई करती रहती हूँ, मतलब जो फ़ायदेमंद होती है वैसी ही चीज़ें जो भी मैं यूज़ करती हूँ तो बस आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि भाई आप लोगों को भी बता दूँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, इसलिए बस सोचा चलो बता देती हूँ आप लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छा है और चावल का पानी भी लोग यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है स्किन और बालों दोनों के लिए। तो बस देखिए इस तरीके से हम पूरे बालों में, जड़ों के साथ साथ में बालों में भी लगा लेना है, अच्छी तरीके से मसाज कर लेनी है। अगर आप चाहें तो ब्रश भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है, ऊपर क्लेचर लगा लिया अपने बालों में और ये एकदम से चिपक गया है पूरे बालों में, क्योंकि मेथी है थोड़ा लिप सी होती है ना मेथी, तो बस उससे थोड़ा सा चिपक सा गया है, एकदम चंपू सी लगने लग गई है उसको लगाने के बाद। बट कोई नहीं, आप लोगों को दिखा दिया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।